सीधा रुख कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस तपस्या को साकार करते हुए हम सब देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इन चारों यजमानों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। एक सफल और पुण्य कार्य के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजनों को जिन्होंने पिछले 7 दिनों तक इस पावन कथा का श्रवण किया, इसका भरपूर आनंद लिया और अपनी श्रद्धा के माध्यम से इन सब को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से आप सबको मैं शिवरात्रि की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मानसरोवर का पवित्र मंदिर है और सैकड़ों वर्षों से यह स्थान यहाँ पर गोरखपुर वासियों की श्रद्धा का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन समय के अनुरूप ध्यान न दिए जाने के कारण धीरे धीरे करके मंदिर जर्जर होता गया और एक समय ऐसा भी आया जब सभी मंदिर पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, टूट चुके थे। कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती थी। हम लोगों को भी वर्ष में केवल एक बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता था, वह भी विजयादशमी के दिन। और मैं जानता हूँ पिछले 25-26 वर्षों से जब भी यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर से गोरख पीठाधीश्वर की रामनवमी के बाद विजयादशमी का जुलूस निकलता था, तो शारदीय नवरात्र में उस अवसर पर ही हम लोगों को शोभा यात्रा के साथ आने, जलाभिषेक करने और मंदिरों में दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता था। मूर्तियां भी बहुत पुरानी पड़ चुकी थी, खंडित हो चुकी थी, इसलिए इस स्थान का पुनरुद्धार किया जाना बहुत आवश्यक था। हम लोगों ने 8-10 वर्ष पहले इस तालाब के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। तालाब तो आधा बन चुका था लेकिन उसके सुंदरीकरण के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाए थे और आज उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से पर्यटन विभाग ने तालाब और उसके आसपास के सुंदरीकरण के कार्य को अपने हाथ में लिया और साथ ही साथ देखते ही देखते इन चार गोरखपुर के दानदाताओं ने यहाँ पर इन चारों मंदिरों को निर्माण का दायित्व तो अपने हाथों में लिया और उसका परिणाम है कितने भव्य मंदिर आज गोरखपुर वासियों को देखते हुए मिल रहे हैं।